ओह कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सॉरी कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम था इसके वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब प्रॉमिस करते हैं वीडियो कंटिन्यू आएगा और एकदम फाड़ू फाड़ू आएगा, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे वीडियो आएगा। तो आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करने वाला है जिसमें कि पूरी अभी भोजपुरी घसीट रही है। अगर एक बंदा आरा से मुर्गी ला दिया तो सबके सब छपरा से लाएंगे, आरा से लाएंगे, कहीं और से लाएंगे, लेकिन मुर्गी ही लाएंगे, कोई लोंडिया नहीं लाएगा। और हाँ, लंदन से याद है, ऋतिक सिंह का एक गाना है जिसमें कि सौम्या पोखरियाल भी है और एक वो कोई और सिंह भी है, और उसमें गाने क्या मालूम है, पार्टी नया साल के रखा लंदन से आइल बार। सकुनी निकली साला, मतलब जिसने इसको इंडस्ट्री में लाया उसी के ऊपर गाना बन रहा, उसी में हिला रही है। जब यार बढ़िया तालियां, चल 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 तो रंगाई से। अभी आप लोग देखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किसको टारगेट करके ये गाना बनाया गया है। तो घर का भेदी लंकट है, वही हाल है अभी सौम्या पोखरियाल का। साला गिरगिट जैसे रंग बदलता है उससे जल्दी तो ये रंग बदल रही है। लौंडा लंदन से आई बा और लौंडिया नेपाल से, और हिला तो वैसे रही है जैसे कि मानो भैया की शादी में आई हो। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। अरे बहन देश ठहर बाके कैले बझगा हर के घर। तुम्हारा ये बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। तुम बात कर रहे हो कि लौंडा लंदन से आया और नचा रहे हो नेपलिनिया को, खुदा खुदी नेपलिनिया के साथ कर रहे हो। लौंडा किधर है लंदन वाला? बोल, इस गलती के लिए तुमको कितना फाइन देना चाहिए, देश डिसाइड करे। झाका छपरा के होटल, और साला फोटो भी लगा दिया। कहाँ बेटा, तुम चेक करने गए थे का कि छपरा का छक्का यही है? मीसा सधा क्या बेटा, तुम्हारा लक्षण कुछ सही नहीं लग रहा है। खच्चर के दूध पे क्या हो का स्टूडियो में? मीसा सधा क्या मतलब, किधर मिस हो गए? वो साला आदमी है, छक्का बोल रहे हैं बेंच। छक्का छपरा क्या होता है बेटा? अभी हाल ही में एक लोग गए अंदर, उनके घर वालों से पूछना कि कहाँ का छक्का है, और हमको नहीं लगता कि तुम भी ज्यादा दिन घूम फिर पाओगे बाहर, तुम भी जाओगे अंदर। सर इसकी शक्ल से लगता है कि ये चोर है, रात को सभी के सो जाने के बाद भैंस खोलता होगा साला। मजा आया पेनी के साड़ी को मर झपका झो दुना चीज हो चौकी के तोड़ी। पेनी पेनी साड़ी कमर झकझोरी और कूदी कूदी नाची के चौकी तोड़ी। कहे बेटा, चौकी तुम्हारे बाबूजी का रहता है क्या, वो जो तुमको इतना अच्छा से मालूम है कि वो नाच नाच के चौकी तोड़ता है और साड़ी पहन पहन के कमर झकझोरता है? साड़ी का तुम्हारे भाभी जी का रहता है क्या कि तुम्हारे वो मौसी जी का रहता है? ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अब इसमें इस लौंडे का भी दोष नहीं है, क्योंकि जब वो वीडियो शूट हुआ था जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा है, तो इसी के भौजी के साड़ी वाड़ी ब्लाउज व्लाउज का यूज हुआ था, और इसकी भौजी ही गई थी साड़ी वाड़ी पहनाने और ब्लाउज पहनाने। लेकिन बेटा ये जो तुम बात कर रहे हो कि वो छक्का है, ये तुमको अपने भौजी से पूछना चाहिए ना, वो मिल के आई है। ना भी सोचो तो तुम भी एक बार मिलो उससे, फिर बताओ कि छक्का है कि का है। मोद बाबू, आप एक अच्छे गायक है, मिर्ची लाइए, मान सम्मान बचा के रखिए। प्रमोद बाबू, आप एक अच्छा सिंगर है, आप अपनी मान मर्यादा बचा के रखिए। मोटे अंकल ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपका गाना उठाएंगे, ये पैदाइशी में फर्क होगा। अरे अंकल जी, पहले ब्रेड खा लीजिए, उसके बाद बतिया लीजिएगा। अब मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ब्रेड खा के लाइव आ सके। लोगों को दिखा रहे हैं क्या कि हाँ हम ब्रेड खाते हैं, ऐसे खाते हैं, और थोड़ा सा तो ब्रेड है, उसको कितनी देर में खाएंगे महाराज? चुतिया पंती की भी हद होती है, कितना चुतिया पंती करेंगे आप? सुधर जाइए चाचा है, इसीलिए समझा दे रहे हैं आपको। बड़े हरामी हो बेटा। पार्टी नया साल के बारे और मुर्गिया माल के बारे, यार कहाँ मिलते हैं ऐसी गर्लफ्रेंड, हमको भी दो चार पटवाओ ना। देसी मुर्गी दे रही है पार्टी के लिए नया साल पे। आप दो ना, आप दो ना, आप हमारी वाली तो हमसे ही पूछ रही है कि बाबू नए साल पे हमको क्या गिफ्ट दे रहे हो, ऐसे लग रहा है कि उसके बाबूजी की सैलरी हमारे ही अकाउंट में आती है, क्या गिफ्ट दे रहे हो? अरे गरीबी पड़ी है इधर, तुमको गिफ्ट चाहिए, और उसमें भी चीन के मौसा जी अपने इंडिया में भी आ चुके हैं, तो उसके लिए भी सैनिटाइजर खरीदने के लिए पैसे चाहिए है नहीं, और तुमको गिफ्ट चाहिए। मुर्गे की
प्रजाति भी बोल रही होगी, अरे भोजपुरी वालों तुमको जो करने का वो करो, हमारी प्रजाति वालों को काय को लटका लटका के परेशान कर रहे हो सालन, मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या भाई लोग? अभी जैसे भोजपुरी में भावकार चल रहा है, इससे लग रहा है कि हमारे भोजपुरी वाले सारे के सारे मुर्गा स्पेशलिस्ट हो गए। सबको मालूम हो गया कि ये मुर्गी है, ये मुर्गा है, और ये आरा का है और ये छपरा का है। तो लग रहा है कि पहले गाना गाने का काम नहीं करते थे, फिर मुर्गी फार्म में मुर्गी को दाना खिलाते थे। एकदम अच्छे से मालूम है कि ये मुर्गी ही है, ये मुर्गा है, एकदम कन्फर्म बोलता सकते। मुर्गिया ठोकल नहीं खेलू, आई डोंट नो ये कहना क्या चाह रहा है, लेकिन अभी मुर्गी का ही सताया हुआ मरीज है। ठोकल नहीं खेलू, फेकल नहीं खेलू, ये नहीं है ना, वो नहीं है ना। अरे बेटा कैसे भी हो गई, आके उसको बना के तुमको खाने का ही है, कौन सा उसको अपनी मौसी को देने वाले हो? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मुर्गी मुर्गी साला, मुर्गी ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि मैं भी भोजपुरी में ट्रेंड करूंगी एक दिन। लेकिन भोजपुरी वाले आप भैया कुछ भी कर सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, और हमको पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाए होंगे। और लास्ट में बताना यही चाहते हैं कि नए चैनल और आपचिक रितेश पे वीडियो वैसे ही आएगी जैसे आ रही थी, और कोशिश करेंगे कि इस पे भी कंटिन्यू वीडियो आए। कोशिश नहीं करेंगे, हमारा पूरा 100% प्रयास है कि आएगा वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में।